बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा ईद की शॉपिंग का व्लॉग लेके आई हूँ। तो मुझे लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले ही पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, तो मैं फिर उठ के भागी बाज़ार में शॉपिंग के लिए। तो 2 दिन में क्या शॉपिंग हो सकती है, आप तो जानते ही हैं, और कितना रश था बाज़ारों में। और मुझे डायरिया हो गया था, मैं बेड रेस्ट कर रही थी। मुझे घर वालों ने बहुत मना किया कि आपने बाज़ार नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपको पता तसल्ली तो होती नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं करती। अच्छा ये देखें, ये एक ड्रेस ली है मैंने अपनी बेटी के लिए, ये देखें, ये इसके इस तरह से गले पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है और इसका फैब्रिक देखें आप, ये देखें इसका फैब्रिक भी बड़ा प्यारा है और बड़े प्यारे से इसके बाजू बने हुए हैं, ये देखें, और बहुत ही प्यारा ये देखिए यहाँ से स्टाइल है, कितने डिसेंट इसके कलर हैं। बैग इसकी ये देखें, ये इस तरह से इसकी बैग है और दामन पे इसके इस तरह से दामन इस तरह से इसका बना हुआ है, ये देखिए। अच्छा मैं कैमरे में शायद सही नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए ये दामन है, नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसके साथ मैंने ये दुपट्टा रेडी करवाया था, ये देखें। अब 2 दिन में आपको पता है क्या काम होने थे, 2 दिन में दुपट्टे भी लिए और डाई भी करवाए उनको, ये इस तरह से लेसिस भी लगवाई, और बच्चों के इस तरह ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जो ट्राउज़र्स है ना, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो मैंने स्टिच करने के लिए दिया है। ये वाला जो है ये शर्ट ली है, ये देखिए लॉन्ग बैग है, ठीक है, ये देखिए ये इसके बाजुओं का स्टाइल है। और बैग मैंने दिखाई है या नहीं दिखाई, मुझे लगता है मैंने बैग नहीं दिखाई है, देखें। अच्छा चलें, ये इसकी बैग है, इसके साथ मैंने ये देखिए जीन्स ली है, तो ये देखिए जो है कंट्रास्ट कैसा लगता है, अच्छी लग रही है ना। ये वाला मैंने इसके साथ जो स्कूल है ये लिया था। अच्छा जो ईद का मेरी छोटी बेटी का ड्रेस है ना, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो मैंने टेलर को दिया हुआ है, वो भी मैंने क्या रेडीमेड ही लिया था। उसके जो ट्राउज़र्स हैं उस पर मैंने लेसिस लगवानी थी और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवानी थी, इसलिए मैंने दिया है। और थोड़ा सा फ्रॉक जो है उसके बाजू भी उसके लंबे थे और ऑल्ट्रेशन उसकी ज़रा हो जाएगी ना। अच्छा ये मैंने फ्रॉक लिया था, ये सिंपल है, लेकिन मुझे इसका जो कलर है ना और ये जो मेरी बेटी है ना उसको फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना ड्रेस भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अच्छा मेरे एक ही कलर में 2 ड्रेस हो गए हैं, ये मैंने ईद वाले दिन तो नहीं पहनना, ये ईद के दिन जो मैं पहनूंगी ना ड्रेस वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी इसी तरह का है, वो वाइट कलर में है लेकिन वो भी अभी रेडी नहीं है। तो बस ये आप देखें, ये इस पर डिज़ाइनिंग की हुई है, लेसिस लगवाई है, ये देखें। अच्छा इसका फैब्रिक देखें, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, ये देखें, अच्छा। और इसके जो बाजू में आपको दिखाती हूँ बाद में, आप देखें इसका, इसके ये देखें पूरी शर्ट पे इसी तरह से इसके इधर लेसिस लगवाई हैं, और इसका दामन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसका दामन, और ये इसका दामन है, ये देखें दामन पे भी ये वाला स्टाइल बनाया है, और ये देखें इस तरह से ये लगाई है दामन, ठीक है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी लगाई है, बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बैक पे भी लगाई है, ठीक है। और इसके जो बाजू है ना, अच्छा ये देखें ये ड्रेस है मेरा, और इसका फैब्रिक देखें आप, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, ये देखें। तो इस तरह से इसके जो गला है, गले पे इस तरह से लेस लगवाई हुई है, और इस तरह से इसके फ्रंट पे मैंने लेसिस लगवाई हैं, और इसका जो दामन है, दामन भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें दामन इसका, अच्छा ये दामन है, और इस तरह से भी इसके दामन पर लगे बड़े अच्छे लगते हैं ना ईद वाले दिन, इस तरह के कपड़े थोड़े फैंसी और लाइट कलर्स, वैसे मुझे तो लाइट कलर्स ही पसंद है, तो सारे मेरे घर वाले जो हैं वो बोलते ही रहते हैं कि तो बुड्ढों वाले कलर पहन लेती हूँ बुड्ढों वाले, लेकिन मुझे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा
अच्छा इसके बाजू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसके बाजू, ठीक है, ये बैग पे भी लगाई हुई होती है, ठीक है, ये बैग पे भी लगाए हैं, ये देखिए ट्राउजर्स भी इसके साथ ये है, प्लेन है, ठीक है। तो इसके बाद तो ये देखिए एक और ड्रेस है ये मेरा, ये देखिए इसमें पैच लगवाया है इस तरह से, और बहुत ही बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है। इसका जो दामन है, दामन पे इस तरह से इसके दामन पे भी पैच लगा हुआ है, और देखिए कितना डिसेंट सा, कितना प्यारा सा लग रहा है ना, और इसके चॉक्स जो है ना ये देखिए, ये मैंने बंद करवाए, ये चॉक्स इसके बंद हैं, ये फ्रॉक स्टाइल में ये है, और इस पर ये जो बटन है ये लगवाए हैं, और साथ इसकी टिंगलिंग बनाई है ये। अच्छा बैग इसकी ये देखिए, बैग इस तरह से ये देखिए, और नीचे ये इस तरह से एक बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है, बाजुओं पे ये वाला प्रिंट है, और टिंगलिंग से भर गई, ये देखिए इस तरह से उस पर लेस लगी हुई है, और ये देखिए, ठीक है तो ये देखें ये पर्स हैं इनका, और ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिया था ये, ठीक है, ये बैंगल्स हैं, इसके अंदर नेकलेस हैं, नेकलेस मैंने ये पोनी से ली थी, ये बड़ी अच्छी लगी ये पोनी से, ये देखें ये बैंगल्स ली थी मैंने, ये मैंने स्टाइलो से ली थी, ये छोटी बेटी के लिए मैंने लिए थे ब्रेसलेट, ये भी मैंने स्टाइलो से लिए थे, ये बूट्स भी लिए थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये वाली कीमती हैं कुछ, ये भी मोनिक ने लिए लिए थे इयर रिंग, ये बड़ी अच्छी लगी ये रिंग ली थी अपने लिए, ये देखिए। और इसके अलावा ये जूते हैं, ये ईद के सूट के साथ वो पहने के लिए वाला, ये वाली ये देखिए, ये वाली चप्पल मैंने बड़ी बेटी के लिए ली है, इसके बाद ये मैंने सैंडल लिए, ये बड़ी बेटी के लिए ली है, उसके पाँव बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, हालांकि उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे वो माशाल्लाह से टॉल है, और उसका साइज़ नहीं मिलता इस दफ़े, कहीं से भी साइज़ नहीं मिल रहा था इसका, बच्चों में साइज़ नहीं था और बड़ों में भी साइज़ नहीं था। अच्छा ये देखें, ये सैंडल मैंने छोटी बेटी के लिए ली है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलर ना सैंडल का, ये देखें कितना, और ये पिंक कलर की तो ये खसूसियत है कि वो हर सूट के साथ, फ्रॉक के साथ चल ही जाता है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।